और अगला है द गोल्डन क्रैब ऑफ द गल्फ ऑफ मैक्सिको हैज नॉट बिन फिश्ड कमर्शियली इन ग्रेट नंबर कॉमा primarily on account of living, underline, at great depth, 2500 to 3000 feet down. अब हमारे पास पांच options हैं. Is that clear? पहली option है, on account of living, पहली option. B, on account of their living, ठीक है? और अगला है, because it lives, और D, because of living, और E, being they live. ठीक हो गया. अब इसमें मसला यह है, अगर हम बिकॉज जो है यूज करेंगे, फॉर इंस्टेंस बिकॉज इज ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस ए सबॉर्डिनेट क्लॉज, दिस इज द बेस्ट वे टू शो इफेक्ट एंड काज रिलेशनशिप ऑफ द टू पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस. सो हमारा फिर आंसर बनेगा सी, बिकॉज मैं आई वुड लाइक टू रिपीट वंस अगेन, बिकॉज इज ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस ए सबॉर्डिनेट क्लॉज. इज दैट क्लियर? एंड दिस इज द बेस्ट वे टू शो काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द टू पार्ट्स. सो दैट्स व्हाई बिकॉज इज अवर आंसर. ये याद रखिएगा, इट्स ए सबॉर्डिनेट क्लॉज. और चले फिर हम आगे चलते हैं. गैलीलियो वॉज कन्विंस्ड दैट natural phenomena, comma, as manifestation of the law of physics, comma, would appear the same to someone on the deck of a ship moving smoothly and uniformly through the अब underline है water as a person standing on land. तो हमारे पास चार options हैं, ठीक हो गया. पहला है ए वाटर एज ए, ये गलत है. ये सेंटेंस फ्रैगमेंट हम इसको देख लीजिएगा. और हमारा आंसर है बी, बी वाटर एज टू ए. इन दिस कॉन्टेक्स्ट द टू पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस आर प्रॉपरली पैरेलल. तो बी इज अवर आंसर. और सी में जो मसला है, ये जो सेमीकोलन है, इट ट्राई टू क्रिएट ए प्रॉब्लम. तो इट बिकम सेंटेंस फ्रैगमेंट. तो आगे फिर हम डी की तरफ आ जाए. डी, ठीक है, इट ट्राई टू कम्युनिकेट, आई मीन दैट इज द सेम प्रॉब्लम. और ई वाटर सेमीकोलन, इट आल्सो ट्राई टू क्रिएट द सेम, आई मीन दैट इज द प्रॉब्लम ओवर हियर, इट्स अ फ्रैगमेंट. इज दैट क्लियर? तो चलें फिर हम आगे चलते हैं. 27, हेल्थ ऑफिशियल एस्टिमेट that 35 million African are in danger of contracting. ये underline है trypophonemic cyst, sorry, or African sleeping sickness. It is called, the meaning of, I mean, that this word is sleeping sickness, comma close, a parasitic disease spread by the bites of टेस्ट फ्लाइज. तो हमारे पास पांच ऑप्शन हैं. नाउ वी हैव फाइव ऑप्शन. वी आर डूइंग 27 भाई, वी आर डूइंग 27. ए आर इन डेंजर ऑफ कंट्रैक्टिंग. तो इसमें क्या है मसला, पहले हम ये डिस्कस कर ले. ये जो है, इट ट्राइड टू यूज करेक्ट इडियम. It must be followed by of, not the infinitive. So this is our answer. A is our answer. Are in danger of contracting. ठीक है. Are in danger is incorrect grammatically. Or have गलत है. Or are is trying to create a, I mean there is a problem. Or have जो है, ये सी और ई, ये पैसिव, ट्राई टू यूज पैसिव विच इज रॉन्ग. सो आवर आंसर शुड बी ए, आर इन डेंजर ऑफ कंट्रैक्टिंग, आर इन डेंजर ऑफ कंट्रैक्टिंग. तो
इसमें जो बात सामने आई है वो ये है, द राइटर हैज़ यूज्ड टू यूज करेक्ट इडियम विच इज फॉलोड बाय ऑफ नॉट द इन्फिनिटिव, ऑफ नॉट द इन्फिनिटिव, यहाँ इन्फिनिटिव है, ठीक है, तो ये गलत है। तो चले हम आगे चलते हैं, अगला आखिरी, बियॉन्ड द इमीडिएट कैश फ्लो क्राइसिस दैट द म्यूजियम फेसिस कॉमा इट्स सर्वाइवर डिपेंड्स ऑन इफ इट कैन ब्रॉडन इट्स मेंबरशिप एंड लीव, ये अंडरलाइन है, इट क्रैम्ड क्वार्टर्स फॉर ए साइट वेयर इट कैन स्टोर एंड एग्जिबिट इट्स मोर देन 12,000 आर्टिकल्स, आर्टिकल नहीं आर्टिफैक्ट्स। तो हमारे पास पांच ऑप्शन है, पांच ऑप्शन, पहली ऑप्शन है इफ इट, यहां पर इफ जो है इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, इफ इट कैन ब्रॉडन इट्स मेंबरशिप एंड लीव, दिस इज इनकरेक्ट, ए इज इनकरेक्ट। अब बी की तरफ आ जाए, वेदर इट कैन ब्रॉडन इट्स मेंबरशिप एंड लीव, तो बी इज अवर आंसर, बी शुड बी अवर आंसर। सी जो है, whether or not it has the capability to broaden its membership and can leave. Is that clear? ये वर्डिक कंस्ट्रक्शन है। अब हम आगे आएंगे डी की तरफ, डी कहता है इट्स अबिलिटी फॉर ब्रॉडनिंग, ये ब्रॉडनिंग जो है ये वर्डी है, ठीक है, इसको अवॉइड करेंगे, तो दिस इज नॉट अवर आंसर। और ई, द एबिलिटी for it to broaden its membership and leave, तो हमारा फिर आंसर बनेगा बी, whether it can broaden its membership and leave, ठीक हो गया। तो this should be our answer, this is our answer। तो ये है हमारा आज का सारा effort which we have put in into that way, this kind of things। तो चले फिर हम अगला करेंगे, कोई भी कॉम्प्रिहेंशन या ई कैट एम कैट सैट डी मैट डी आर विच आई फील आई मीन दैट यूजफुल फॉर द स्टूडेंट, ठीक है। आज हमने ये जी मैट के क्वेश्चन किए हैं, तो इस जमीन में the thing which is one of the most essential, again I would like to repeat one thing, that teaching is a kind of reciprocal thing, half of the job is done by the student and half of the job done by a teacher. So what is the half of the student? They have responsibility on their shoulder that they should try to concentrate, they should try to focus, ठीक है, if they try to concentrate and focus, then definitely they will achieve crown success in the examination hall, ठीक है। So far as I am concerned, I am very much positive about my younger youth, because if they utilize their energy, their power, their sagacity, their wisdom, their enlightenment, their cognitive state, their craftsmanship, and their experience of life, and definitely they will get success. And one thing is very important, that they should try to face the ground reality, the acrimonious reality, the bitter realities of life. They shouldn't try to live in the world of utopia, the world of imagination. I have experienced that mostly